तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रियासी रियासी बस स्टैंड पे। और रियासी बस स्टैंड पे मैं आपको बता दूं कि कटरा से लगते हैं 1 घंटे। कटरा से तो काफ़ी बसेस है, बसेस की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे ना रियासी से आपको बसेस भी मिल जाएंगी और आपको टेम्पो से वैसे हम जाएंगे, क्योंकि बस लोग बता रहे हैं कि उतनी फ्रीक्वेंटली बस नहीं चलती है। बस का तो बता रहे हैं कि 11:30 बजे तक बस मिलेगी, तो 11:30 बजे तक का वेट करने का टाइम का फ़ायदा नहीं है। अभी 10 बज चुके, 9 बजे हम निकले थे कटरा से रियासी का टेम्पो स्टैंड, वहाँ से देखते हैं कि कौड़ी हमें पहुँचना है। और दो तरीके हैं पहुँचने के, कौड़ी है और एक कोई और जगह पर हम जाएंगे कौड़ी से चना ब्रिज के साइड। काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया रियासी पे, पता किया कि बस मिलेगी या टेम्पो मिलेगा। तो टेम्पो का फिक्स टाइमिंग है, 10 बजे चलता है टेम्पो और फिर 11:30 बजे जो आपको कि कौड़ी तक का, KAUDI कौड़ी तक का। और उसके बाद आने के लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि आने के लिए बता रहा था जैसे वो टेम्पो स्टैंड पे कि लास्ट टेम्पो जो मिलेगा वो 2:30 का, यानी कि 2:30 बजे का है। तो अभी 11:30 निकल के और 2:30 बजे वापस आना तो बहुत मुश्किल था। तो हमने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करते हुए एक ऑटो रिज़र्व किया है, और ये 3-व्हीलर है। बोलेरो वगैरह का 3,000 रुपये मांग रहे थे, दो साइड बता रहे हैं, पर हमें कौड़ी के साइड ही जाना था, ये तो हमारा श्योर था। और क्या नाम है भैया आपका? सुनील सिंह। यहीं रहते हो आप? हाँ। तो भैया सुनील सिंह है, ये हमें लेके जाएंगे ब्रिज तक, चनाब ब्रिज तक। कौड़ी के साइड से हम जा रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे थे पैसे, पर 1500 में ना हमने डील इनसे सेट की है और रास्ता हमारा शुरू हो चुका है। और ये है हमारी सवारी चनाब ब्रिज की, इस 3-व्हीलर में हम जा रहे हैं। और टेम्पो से यहाँ पे मतलब 3-व्हीलर का नहीं होता है, टेम्पो से यहाँ पे मतलब होता है नॉट 3-व्हीलर, जो कि ये है। टेम्पो से मतलब यहाँ पे है ट्रैवलर का, जो कि ट्रैवलर है उसको यहाँ पे टेम्पो कहते हैं, और वैसे बस तो बस ही होती है। बाकी ये टेम्पो से हम जा रहे हैं ना 3-व्हीलर से। भाई साहब वैसे तो बोलेरो का वो लोग बोल रहे थे कि 3,000 वो बोल रहे थे, अगर आप जाना चाहते हैं कौड़ी के साइड से तो 3,000 रुपये। वैसे मुझे पता है कौड़ी की साइड से व्यू ज़्यादा अच्छा है, एक और साइड है, दूसरी साइड है। भैया से पूछ रहे हैं कि दूसरी साइड कौन सी है, वो इस साइड है, मतलब हम जा रहे हैं कौड़ी ब्रिज के उस साइड, और इस साइड जो कि पास वाला साइड है उस साइड के मांग रहे थे बोलेरो के 2,000। और ये ऑटो के भी कम ही लेते, पर हमने जाना था कौड़ी के लिए तो हमने उसकी बात नहीं की, दूसरे साइड की। इस साइड की 1500 में डील हमने सेट कर ली, भैया ने 2,000 बोला था, पर 1500 में। डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का नंबर डाल दूंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, दोबारा अगर आप जाना चाहें तो भैया से संपर्क कर लीजिएगा, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा भैया का। तो भाई दो साइड में, एक है बक्कल की साइड, और बक्कल के कितने आप लेते हैं अगर हम बक्कल जाते तो? अगर आपने बक्कल जाना है ना? अब जाना नहीं है, हमें जाना होता तो 1000 रुपया। तो यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से हमें दिख रहा है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है एक जम्मू के अंदर। और ये कुछ रोड ऐसी, भाई रोड तो एकदम पक्की सड़क है और रोड बिल्कुल खाली है, मतलब कुछ ट्रैफिक नहीं है इधर। इधर से आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट का व्यू दिखेगा, चिनाब ब्रिज भी होगा ना, चिनाब नदी भी होगी ना इधर आगे। ये कौन सी नदी बह रही है नीचे? ये चिनाब ही है। ये चिनाब नदी बह रही है, कहाँ से आती है चिनाब नदी, शुरू कहाँ से होती है? रामबाण। तो भाई इस साइड से हम आए हैं और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, व्यू तो एकदम ख़तरनाक है। ये नीचे जो नदी बह रही है, ये नदी है आपकी चिनाब नदी है ना भैया, ये चिनाब नदी। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं, रियासी कहीं उधर छूट गया उधर पीछे। और ये डैम है, ये सलाल डैम है एक्चुअली में। भाई आगे नहीं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं आगे तो भाई पूरी खाई है। और यहाँ का व्यू, इस रास्ते पर इतनी शांति है ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चल रही इस रास्ते पर, क्यों भाई? लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं है तो एकदम शांति है। तो पहली झलक यही है दुनिया। और अभी हम इस पहाड़ी पे, एक्चुअली हमें वहाँ पे जाना है अभी, जहाँ पे आप ये ब्रिज देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी हमें जाना है। दूर से कुछ ऐसे नज़ारे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज की, जो कि है चनाब ब्रिज। तो यहाँ से सीधा हम निकल के और जाएंगे उस पर,
ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये वाली, यही इसी रोड से हम जाके वो सामने पहुंच जाएंगे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज पे। क्या है? दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं चेनाब ब्रिज पे। बाहर में जो है ना कौड़ी साइड से परमिशन नहीं मिल रही थी, गार्ड साहब हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं परमिशन नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, पर रिक्वेस्ट करके हमें परमिशन मिल गई है फाइनली। और वैसे तो हमने रेफरेंस भी दिए, कोई जानकार हमारे जो रेल पटरी बिछाने का काम होता है वो करते, तो उनका रेफरेंस दे के जो है वहाँ पर एंट्री वगैरह करवा के, आधार कार्ड की एंट्री, जिस ऑटो से हम आए उसकी एंट्री करवा के ही अंदर यहाँ पर आने की परमिशन मिली। दोस्तों अब हम फाइनली आ चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ से कि हम सीधा जाएंगे व्यू पॉइंट पे, जहाँ से कि ब्रिज पूरा दिखेगा। एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, ऑल दो यहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी हौचपोच है सब जगह, आप देख सकते हैं ना पीछे पूरे लोहे का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और यहाँ तक आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बाहर से, वैसे तो अलाउ नहीं कर रहे थे, कुछ रेफरेंस हमने दिया तभी। वैसे तो आप ये बोलेंगे घूमने आए, शायद आपकी परमिशन मान जाए। वैसे अभी घूमने के लिए यहाँ पे उतना कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा कि घूमने की प्लेस है, क्योंकि आने का जो रास्ता है ना कौड़ी साइड से भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब रास्ता काफ़ी ख़राब है, लास्ट लेग ऑफ जर्नी जो है। पर हम यहाँ तक तो आ गए, अब हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे, और चेनाब का रेलवे ब्रिज आर्क यहाँ से क्लियर दिखने वाला है। ऊपर जाने की परमिशन अभी तो नहीं है, हमने यहाँ पे CISF वाले भी थे ड्यूटी में, हमारे आर्मी के जवान, उनसे भी बात करी, तो यहाँ पे पीछे CISF वाले भी थे ड्यूटी में, हमने उनसे भी बात करी, उनसे भी परमिशन मांगी, पर उन्होंने बोला कि हमारे पास परमिशन नहीं है, आपको अफसर से बात करनी होगी या तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि ब्रिज पर चढ़ने के लिए रास्ता वहाँ से है, समझ गए, पीछे से ही है, जो ये पिलर्स है ना तो ये पीछे से ही रास्ता है, और वो पीछे से रास्ता आता है सीधा आर्क के पास। तो परमिशन हमें तो नहीं है ऊपर जाने की, पर हम मैं आपको आर्क दिखा देता हूँ, कितना डीप है ये ब्रिज वो आगे से देखते हैं। ये रही वो पिलर्स, इन पिलर्स के ऊपर ये लोहे का पूरा ना जो आर्क बना हुआ है आप देख सकते हैं, भाई साहब कितना सुंदर दिख रहा है। उस साइड वहाँ से चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा, ये देखिए यहाँ पे तो ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, स्टेप ये बेसिकली स्टेप नहीं होगा, ये मिट्टी ना बहे, लैंडस्लाइड ना हो, इसके लिए किया गया होगा काम। और ये नीचे रही बहती हुई चेनाब नदी, और उसके ऊपर ये बना हुआ हमारा, ये रहा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। उस साइड से भी हम आ सकते थे, वो साइड हो जाता बेसिकली बक्कल की साइड हो जाता वो वाली साइड, और ये हम आ गए हैं कौड़ी की साइड। तो वो रही सेंटर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सेंटर, कुछ दिन पहले ही बन के तैयार हुआ है ये सेंटर, और हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं वो आए थे यहाँ पे, काफ़ी हर्षोल्लास धूमधाम के साथ इसको जो है ना जब ये कंप्लीट हुआ तो इसको सेलिब्रेट किया गया। और अब इसके ना ऊपर पे काम चल रहा है, ब्रिज के ऊपर पे काम चल रहा है, नीचे का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ऊंचाई पे जब ट्रेन गुजरेगी इसके ऊपर से तो मुझे तो लगता है जो ऊपर से देख लिया उसको चक्कर आ जाएंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप, ये जगह ये तो बनाई हुई है भाई, ये तो आई थिंक ये पब्लिक के लिए बनाई हुई है देखने के लिए कि कैसा ये ब्रिज दिखता है। बाकी आर्क ब्रिज का आप देख सकते हैं पूरा व्यू ऐसा है। और कश्मीर को जोड़ने के लिए सबसे जो बड़ी बाधा थी वो यही थी कि इस नदी पे ब्रिज कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी गहरी नदी है ना, चेनाब नदी जो है इस पॉइंट पे बह रही है, काफ़ी गहरा है, तो सबसे बड़ी चैलेंज यही थी हमारे देश के इंजीनियरों के लिए और रेलवे के लिए भी कि कैसे जोड़ा जाए कश्मीर को। दोस्तों ये ब्रिज जो है ना चेनाब नदी का ब्रिज, इसके वजह से क्या होगा कि अब कटरा के आगे भी रेल लाइन जो है वो जाके मिल जाएगी बनिहाल में। फिलहाल जो ट्रेन चलती है कश्मीर में वो बनिहाल टू बारामूला चलती है वाया कश्मीर, कश्मीर स्टेशन बीच में आता है और बनिहाल से चलती है बारामूला तक। तो ये रेल लाइन जो है कटरा से सीधे अब कनेक्ट कर देगी आपको जाके बनिहाल पे, और ये दुनिया का वन ऑफ द ब्यूटीफुल रेल रूट्स होने वाला है। आई एम श्योर कि ये दुनिया का ब्यूटीफुल रेल रूट होने वाला है, और टनल्स, ब्रिजेस,
भरे होंगे इस रूट में, मैं ये तो श्योरली कह सकता हूँ। टनल्स भी इस रूट पे, लॉन्गेस्ट टनल भी आने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो एडवेंचर के नाम पे इस ट्रेन जर्नी में तो बहुत मज़ा आने वाला है। पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रूट पे जो है ना जर्नी करने के लिए। मुझे लगता है कि 4-5 साल तो लग सकते हैं, पता नहीं इसकी डेडलाइन क्या है वो मैंने पढ़ा नहीं, पर 4-5 साल मुझे ऐसा लगता है लग सकते हैं। पर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ फर्स्ट जर्नी करने के लिए इस रूट पे जब ट्रेन चलेगी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस रेल रूट पे जर्नी करने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपके व्यूज़ क्या हैं, और जब इस ब्रिज से ट्रेन गुजरेगी तो आप जो है ना जो एक्सपीरियंस आप करेंगे वो मैं बता सकता हूँ कि वैसा ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस आपने कहीं नहीं किया होगा, वो भी हमारे भारत में ऐसा होगा। तो यार गर्व से हमें कहना चाहिए कि भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, और ये है नया भारत। दोस्तों अब इस व्यू पॉइंट से हम निकल रहे हैं और यहाँ पे हमने देख लिया है पूरा ब्रिज कैसे आर्क तो यहाँ से दिखेगा। अब इसके आगे तो आप ऑब्वियसली नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे नीचे घाटी है। तो ये लास्ट पॉइंट है और ये पॉइंट बनाया हुआ देखिए विजिट करने के लिए। अब हम जा रहे हैं परमिशन लेने आगे, देखते हैं कि परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, शायद हमें परमिशन मिल भी जाए कोई पता नहीं है, ताकि हम ब्रिज के ऊपर जा पाए। तो आएगी और ये साइड आप हो गया बक्कल की साइड, और ये ब्रिज से सीधा टनल के अंदर चली जाएगी हमारी ट्रेन। फाइनली हमें परमिशन मिल गई है ब्रिज के ऊपर आने की, बहुत मुश्किलों से, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। यार एक्चुअली हम दूर से तो बहुत आए, काफ़ी स्ट्रगल किया है, और आप यहाँ देख सकते हैं ना कि इस ब्रिज पे ही 3 लाइन की कैपेसिटी है इस ब्रिज की, पर 1 लाइन ही बिछाई जाएगी इस पे। और यहाँ से निकलने के बाद ट्रेन उधर टनल में घुस जाएगी, और यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हैं ना एफकॉन और ये शेड लगा हुआ है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पे स्टेशन बनने का ऐसा कुछ चांसेस है। और ब्रिज पे जब आप आएंगे तो ब्रिज से आप नीचे नहीं उतर पाएंगे, यानी ट्रेन जब क्रॉस करेगी ट्रेन से आप नीचे नहीं उतर पाएंगे, उधर कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। और ये जो ब्रिज है ना काफ़ी चौड़ा है, ऑल्दो आपको व्यूज़ दिखेंगे आसपास के, पर आप नीचे उतर के ना साइड से व्यूज़ कैसा है वो नहीं देख पाएंगे। बाकी ये देखिए कि ब्रिज ऐसा दिखता है, रोड है, और बीच बीच में ना ये पानी निकलने के लिए वाटर ड्रेन के लिए ये है, और सीधा ये नीचे। तो ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल है। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है ये, मतलब ये लगा लीजिए कि ये फोर वे जो है ना 4 लेन हाईवे की तरह बनाया गया है। तो भाई देश के इंजीनियरों को सलाम है, और भारत देश में पैदा होने के लिए गर्व है। क्या बोलूँ इसके बाद, आप देख सकते हैं ब्रिज सीधा जहाँ पे आप शेड देख रहे हैं ना, ये इसके आगे है आर्क। तो यही है वो स्लीपर्स जिनमें कि पटरियां भी छाई जाएंगी, ये है ना स्लीपर्स आप देख रहे हैं, और इस सेंटर में ही आएंगी, इस जगह पे ही आने वाली है पटरियां, और इसके बीच में यानी कि एकदम बीच में रहेंगी पटरियां, और साइड में चले और साइड में आपको जाने का अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ आप देख सकते हैं ना ये पटरी, और पटरी के बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप है इधर। तो आप ये सोचेंगे कि आपको ब्रिज से साइड का व्यू मिल जाए तो नहीं मिलेगा, नीचे झांकने का मौका मिल जाए वो नहीं होगा, तो आप ब्रिज से सिर्फ साइड का ही देख सकते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। ये रहे स्लीपर्स बीच में, और आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा ब्रिज है, और स्लीपर्स इसके बिल्कुल बीच में कितने छोटे से लग रहे हैं। इसकी लंबाई जो है ना 13-14 मीटर है ऐसा बता रहे थे जो सर हमारे साथ आए, तो इसकी लंबाई 13-14 मीटर है ऐसा बता रहे थे यहाँ पे इंजीनियर्स, और ये पूरा ब्रिज ऐसा दिखता है। बाकी अब चलिए चलते हैं, काफ़ी चौड़ा है यार ये, काफ़ी चौड़ा है। आई होप कि जो टूर मैंने आपको कराया है ना ब्रिज का दोस्तों, ये आपको पसंद आया होगा, आपने ऊपर से भी देख लिया कि ब्रिज कैसा दिखता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।